Hello everyone, how are you all? Myself Mrs. Poonam Yadav from Suraj School, Rewari. Today in 4th class, I want to explain the chapter number 5th, the coastal plains or coastal area and island. Beta, look at the map. This is your country India and this is our coastal area. Coastal area means land plus water bodies. We know very well our southern part, India's southern part is peninsula. Okay, this is Bay of Bengal water body and in the south Indian Ocean and in the west Arabian Sea we have these water bodies. This is our peninsular area. Look at this, Gujarat, Maharashtra, Goa, our Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal. These all states have coastal area. This is coastal area, land plus water bodies. This area is called coastal area. And in this chapter, we will learn about our coastal plains. Coastal plains, we divide our coastal plains in two parts. Number one, eastern coastal plains. East, ye east direction hai hamari, east ki, eastern coastal plains. And second one is western coastal plains. These are western coastal plains. Okay, our western coastal plain start from Gujarat and it stretches from Kanyakumari. Beta, Gujarat se start hota hai aur Kanyakumari tak phaila hua hai hamara western coastal plain, plain area. Jaise hamare Haryana mein plain land hai na, we all are living on the plain land. Same aise hi yahan pe hai. Gujarat se start hoke aapke Kerala tak hai aur eastern coastal plain start with West Bengal. West Bengal state se start hota hai, stretches from Kanyakumari. Okay? Western coastal plain ko hum teen parts mein divide karte hain beta. Number one, Konkan. Konkan coast. Number two, Kendra coast. And number three is Malabar coast. Look at this. This is your map and this is Gujarat. Gujarat se jo hamari coastline start ho jati hai, idhar Arabian Sea se jo touch ho rahi hai. Yahan se Gujarat. उसके बाद आपका महाराष्ट्र जहाँ मुंबई भी है जिसकी कैपिटल है, तो आपका महाराष्ट्र और उसके बाद आपका गोवा, इतना पार्ट जो हमारे थ्री स्टेट्स हैं ये है कोंकण कोस्ट. इस कोस्ट को हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट. नेक्स्ट वन इज कर्नाटका. जो येलो कलर का पार्ट देख रहे हैं हमारा, जो ये येलो स्टेट है ये है कर्नाटका और इसकी जो बाउंड्री है आप देख सकते हैं अरेबियन सी और कर्नाटका. तो ये वाला जो कोस्ट है ये है कैनरा कोस्ट, CANARA कैनरा कोस्ट. उसके बाद जो थर्ड कोस्ट आती है वो हमारी है बेटा मालाबार कोस्ट. और ये पूरे हमारे केरला जो स्टेट है, लुक एट दिस, दिस ग्रीन पार्ट, दिस इज आवर केरला स्टेट और केरला स्टेट को कवर करती है मालाबार कोस्ट. वी डिवाइड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन थ्री पार्ट्स, कोंकण, नंबर टू कैनरा, नंबर थ्री इज मालाबार कोस्ट. नाउ वी विल टॉक अबाउट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो हमारी ईस्ट डायरेक्शन में है, स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी. दिस इज आवर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. दिस एरिया इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. इज दिस क्लियर? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को बेटा हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कहाँ से, ये देखो आपको यहाँ पे एक लुक एट दिस, नेलोर. नेलोर इज अ प्लेस इन आंध्र प्रदेश. जो हमारा आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसमें नेलोर एक जगह है. उस नेलोर से जो ऊपर का पार्ट है हमारा अप साइड ऑफ द नेलोर, नेलोर टू वेस्ट बंगाल, ये जो हमारा कोस्टल एरिया है, जो कोस्ट एरिया है, इसको हमने नाम दिया है बेटा नॉर्दर्न सिरकास. इसका नेम है जैसे आप सबके अपने नेम होते हैं, सेम इसका भी है नॉर्दर्न, क्योंकि ये देखो इस नेलोर पार्ट से ऊपर है, यानी कि नॉर्दर्न हुआ ना, तो नॉर्दर्न सिरकास इसका नाम है. और नेलोर से जो डाउन तक गया कन्याकुमारी तक, जो ये कोस्टल एरिया है हमारा आंध्र प्रदेश और ये आपका पूरा का पूरा तमिलनाडु को जो कवर कर रहा है, इसको बेटा हमने नाम दिया है कोरोमंडल कोस्ट. इट मींस दिस इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज कॉल्ड नॉर्दर्न सिरकास एंड सेकेंड इसका नेम है कोरोमंडल कोस्ट. यानी कि जो आंध्र प्रदेश, नेलोर के नीचे जो आंध्र प्रदेश और आपका पूरा तमिलनाडु का जो एरिया है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट. इट मीन्स वी हैव टू मेन प्लेन. कौन से प्लेन है बेटा? कोस्टल प्लेन. आपने नॉर्दर्न प्लेन जो हमारे पढ़े थे पहले प्रीवियस चैप्टर में, जो स्टार्ट हो रहे थे पंजाब से
और पूरा असम तक फैला हुआ था, ये जो स्ट्रेच था यहाँ से पूरा स्ट्रेचिस था पंजाब टू असम तक। ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, हमारी कंट्री का नॉर्थ पार्ट का नॉर्दर्न प्लेन एरिया। बट अब हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ये चैप्टर का नेम ही आपका कोस्टल प्लेन्स, कोस्ट एरिया। कोस्ट एरिया वो होता है जो वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। लुक एट दिस, स्टार्ट फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, बट इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड सेकेंड वन इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, एंड वी गेव द नेम। वी डिवाइड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन थ्री पार्ट्स एंड वी डिवाइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन टू पार्ट्स। इज दिस क्लियर? एंड वी गेव द नेम कोंकण, केनरा, मलाबार, नॉर्दर्न सिरकार्स एंड कोरोमंडल कोस्ट। इज दिस क्लियर? Now we will talk about islands. In previous video I also told you we have two islands, India have two islands. In Bay of Bengal we have Andaman and Nicobar Island. Look at this, ये yellow जो आपको दिखाई दे रही है parts, these are Andaman and Nicobar Islands. This is the group of islands. एक island नहीं है बेटा, बहुत सारे group, यानी कि बहुत सारे islands का एक group बना हुआ है। लगभग approximately 572 islands हैं यहाँ पे। Okay, and in Arabian Sea we can see the Lakshadweep Island. These are Lakshadweep Islands. We have two islands, Andaman and Nicobar, in eastern side, and in western side we have Lakshadweep Islands. We gave the name. We gave the name of Lakshadweep Island is Coral Islands, Coral, and we gave the name of Andaman and Nicobar Island is Emerald Islands. Now we will talk about its climate. Beta, we are living in Haryana and we feel, we experience the climate very hot and climate very cold. But in this area, look at this, this area experience moderate climate. It means not very hot and not very cold climate. The people experience moderate climate. Us climate ko bolte hain beta moderate. ना ही तो ज़्यादा ठंडी होती हैं और ना ही ज़्यादा गर्म होती हैं। दिस एरिया, लुक एट दिस, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दीज स्टेट्स एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। दीज स्टेट्स कोस्टल एरिया, वी आर टॉकिंग अबाउट कोस्टल एरिया, कोस्टल प्लेन। जो कोस्टल एरिया होता है वो क्या करता है, कौन सी क्लाइमेट एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कर रहा है बेटा मॉडरेट क्लाइमेट, नॉट वेरी कोल्ड, नॉट वेरी हॉट। इज दिस क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट मानसून सीजन। मानसून सीजन स्टार्ट इन दिस एरिया, अरेबियन सी आप देख रहे हैं, इन दिस एरिया मानसून सीजन स्टार्ट इन जून टू सेप्टेम्बर। वो हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं बेटा, जून में हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, रेनफॉल जो है वो जून, इन द एंड ऑफ द जून, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर वी एक्सपीरियंस रेनी सीजन, मानसून सीजन। बट इन द कोस्टर्न प्लेन्स दीज पीपल एक्सपीरियंस मानसून इन अक्टूबर एंड नवम्बर। दिस इज रिट्रीटिंग मानसून, इट मीन्स जब वो यहाँ से मानसून चल रहा है, बारिश जब हमारे यहाँ पे हो रही है हरियाणा में, जब ये रिट्रीट करता है यानी वापस जाता है, तो जाते हुए यहाँ पे बारिश होती है इस एरिया में, तो अक्टूबर एंड नवम्बर। इज दिस क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट रिवर्स। बेटा रिवर्स जो है वो दो मेन रिवर है, नर्मदा एंड तापी। लुक एट दिस, मैंने सर्कल यहाँ पर रखा है, नर्मदा एंड दिस इज तापी रिवर। टू रिवर्स ड्रेन होती है कहाँ पे, अरेबियन सी में, वेस्टर्न साइड, वेस्ट साइड। इज दिस क्लियर? उसके बाद आता है बेटा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो हमारा है। इस कोस्टल प्लेन में आपकी गंगा, यमुना, हमारी यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स हमारी कहाँ ड्रेन होती हैं, बे ऑफ बंगाल में। इज दिस क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट पीपल। जो पीपल यहाँ पे लिव कर रहे हैं, पीपल जो लिविंग इन दिस एरिया, उनकी लिविंग कैसी है, उनकी लिवलीहुड कैसी है, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, उनके ऑक्यूपेशंस क्या है। बेटा लुक एट दिस, यहाँ पे जो हमारे गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक के जो पीपल है इन वेस्टर्न साइड, दे मोस्टली पीपल फिशरमैन, देयर ऑक्यूपेशन इज, मेन ऑक्यूपेशन इज फिशिंग। दे आर इन अरेबियन सी, मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग हेयर इन दिस स्टेट्स, दे आर फिशरमैन। नाउ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ के जो पीपल होते हैं, ये प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। मोस्ट ऑफ जो ऑक्यूपेशन है उनका जो एग्रीकल्चर है, फिशरमैन भी है इधर वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। और एक चिल्का लेक, चिल्का लेक के बारे में आपको बताना चाहूँगी जो उड़ीसा में है। लुक एट दिस, दिस इज उड़ीसा, आवर स्टेट इन ईस्टर्न साइड इज उड़ीसा में। ये देखो चिल्का लेक,
This is chili curry. Is this clear? I want to tell you about ports. बेटा आपने एयरपोर्ट बहुत वर्ड सुना होगा, एयरपोर्ट है ना, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सी पोर्ट के बारे में बताऊंगी. हमारे पास जो सी पोर्ट है इंडिया में 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े सी पोर्ट्स कह सकते हैं हम लोग, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं, पानी के जहाज आते हैं. मुंबई, लुक एट दिस एयरपोर्ट, मुंबई. मुंबई में आप देखो कितने सारे आपको यहाँ पे जो सी रूट दिखाई दे रहे हैं. इज दिस क्लियर? ये मुंबई हुआ, हमारा विशाखापट्टनम हुआ, या तिरुवनंतपुरम हुआ, आपका ये चेन्नई है, ये और ये बहुत सारे हमारे सी पोर्ट हैं. लेकिन 13 मेजर हैं, जो बहुत बड़े हैं वो सी पोर्ट 13 हैं. लेकिन स्मॉल स्मॉल पोर्ट भी हैं जहाँ पे छोटी नावें आती हैं या छोटे जहाज आते हैं जहाँ पे पानी के. उन सी पोर्ट्स का बेटा 200 सी पोर्ट्स हैं इंडिया में. 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं, वी हैव 13 मेजर सी पोर्ट्स, बट वी हैव 200 स्मॉल सी पोर्ट्स इन इंडिया. इज दिस क्लियर? लुक एट दिस बेटा, वेब चार्ट बनवाया था मैंने आपको द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोंकण, कैनरा, मालाबार. ये नेम्स हैं जो आपको लर्न करने हैं बेटा, और ये स्टेट वाइज भी हैं. कोंकण कहाँ से स्ट्रेचिज है? गुजरात, मुंबई एंड गोवा. बट हमारा जो कैनरा है ये कर्नाटका में, और मालाबार हमारा केरला. ओके, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न सिरकार्स इसका नेम है बेटा, और है कोरोमंडल कोस्ट. टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. उसके बाद आपके फिलिप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर नोन एज एमराल्ड आइलैंड. जो अंडमान निकोबार है बेटा उसको किस आइलैंड के नाम से जाना जाता है? एमराल्ड. लेकिन जो लक्षद्वीप है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है बेटा कोरल आइलैंड. नेक्स्ट है हमारा फिलिप, द चिलिका लेक इज इन द स्टेट ऑफ डैश. बेटा चिलिका लेक कौन से स्टेट में है हमारी? उड़ीसा में है. उड़ीसा, इज दिस क्लियर? द चिलिका लेक इज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा. डैश इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट. मैंने आपको बताया था ईस्ट कोस्ट जो है उसे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसका उसने नॉर्दर्न पार्ट पूछा है आपसे. नॉर्दर्न पार्ट कौन सा है बेटा? नॉर्थ में जो है नॉर्दर्न सिरकार्स, उसका नाम क्या है? नॉर्दर्न सिरकार्स. फोर्थ वन ये, द मालाबार कोस्ट कवर्स द एंटायर स्टेट ऑफ डैश. जो मालाबार कोस्ट है वो पूरा कौन से स्टेट को कवर कर रही है? वो है केरला. देखो जो मालाबार है वो केरला को कवर करती है, और जो हमारी कैनरा है वो कर्नाटका को कवर करती है, और जो हमारी कोंकण कोस्ट है वो हमारे तीन स्टेट, गुजरात, उसके बाद हमारा महाराष्ट्र और गोवा. इज दिस क्लियर? उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट वन, द रिवर दैट ड्रेन्स द वेस्ट कोस्ट इज डैश. जो वेस्ट कोस्ट है, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, उसमें कौन कौन सी, यानी अरेबियन सी में कौन सी रिवर ड्रेन करती है? बेटा नर्मदा और तापी दो रिवर हैं जो बड़ी रिवर भी हैं और जो अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं. तो ये आपको लर्न करने सारे. आई होप यू विल एन्जॉय द वीडियो एंड लर्न मोर अबाउट द आवर कोस्टल प्लेन्स एंड आवर आईलैंड्स. Thank you.